नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अपडेट में। मैं हूं अभी मानीराम रेलवे ओवरब्रिज पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पब्लिक के लिए पूरा दोनों तरफ का ओवरब्रिज खोल दिया गया है। जुलाई में मैंने आपको अपडेट दी थी, जुलाई 2023 में, उस समय सिर्फ उधर का ओवरब्रिज जो था दो लेन को खोल दी गई थी, उसी से ये ट्रैफिक अप और डाउन दोनों निकल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देख लीजिए आप, चारों लेन यानी कि अब के लिए इधर लेफ्ट वाला उधर राइट वाला दोनों लेन खोल दी गई हैं। ट्रैफिक बहुत ही सुगम तरीके से यहाँ पर पास हो रहा है। ये कुछ नज़ारा है यहाँ पे मानीराम रेलवे ओवरब्रिज का। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मोहद्दीपुर से जो जंगल कौड़िया तक 19 किलोमीटर का पूरा फोर लेन रोड रेडी किया गया था, उसी में दो स्थान ऐसे थे जहाँ पे अभी भी ट्रैफिक टू लेन से ही गुजर रहा था। एक था गोरखनाथ रेलवे ओवरब्रिज पे और एक था मानीराम पे। तो मानीराम पे तो कोई ओवरब्रिज पहले से बना नहीं था, तो यहाँ पे पूरा ही फोर लेन का आर्क ब्रिज, क्योंकि गोरखपुर का पहला आर्क ब्रिज है जिसको डेवलप किया गया है। यहाँ पर तो अब फोर लेन पूरी तरीके से हो गया, अब सिर्फ एक ही स्थान बच रहा है, गोरखनाथ रेलवे ओवरब्रिज, जहाँ पर टू लेन के ओवरब्रिज के समानांतर एक और टू लेन का ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। जैसे ही वहाँ भी काम पूरा होता है तो वहाँ पूरा ये मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया का 19 किलोमीटर का पूरा ये जो सेक्शन है, ये पूरी तरीके से फोर लेन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम एक लेन पे आपको दिख रहा होगा हो रहा है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट का समाप्ति की तरफ ये प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा। बस कुछ ही छोटे मोटे फिनिशिंग के काम रह रहे हैं, जैसे कि ये रेलिंग वगैरह पेंट करना, बाकी सारा काम हो ही गया है। फिर यहाँ बाद में लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो ऑलमोस्ट काम यहाँ का हो गया है और ट्रैफिक गुजर रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी एक अपडेट दिखा देता हूँ। जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब से मैं लगातार आपको इस प्रोजेक्ट की अपडेट दे रहा था, तो आज ये प्रोजेक्ट एंड होने के कगार पे है। मैं सोचा आपको एक अपडेट दे देता हूँ इसकी। मिलते हैं आपसे किसी नए और इंटरेस्टिंग अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।